हिंदुत्व को ऐसे देखता हूँ कि हिंदुत्व सावरकर माफी वीर नहीं थे। लेकिन अगर आज के समय में मनमोहन सिंह जी होते या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आप ये लाइन बोल पाते? सो हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वन सेकंड न्यूज़ बफ में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पीवीआर सिनेमा में और आप मेरे पीछे बहुत बड़े पोस्टर देख रहे होंगे। वीर सावरकर जी का जो है ये बैनर है जिसमें बहुत जल्द जो है रणदीप हुड्डा इस फिल्म को जो है प्ले करने वाले। रणदीप हुड्डा एज अ वीर सावरकर जो है उनकी लाइफ पर जो है आधारित चीज़ों को हमें बताने वाले हैं। तो ट्रेलर लॉन्च हो चुका है और ट्रेलर आपने देख लिया होगा, कितना खूबसूरत लगा। और आइए बात करते हैं रणदीप हुड्डा से और देखते हैं क्या क्या जो है फिल्म के बारे में क्या क्या है खास। मैं राहुल जैन नमोकार चैनल से, मेरा आपसे सवाल है कि इसमें आपके ट्रेलर में लास्ट एक लाइन है कि कांग्रेस के किसी भी सदस्य को काला पानी की सजा नहीं हुई जी। और आज के समय में हम देख रहे हैं चाहे वो इससे पहले अटल जी की मूवी हो, बहुत सच्चाई से फिल्म को बनाया जा रहा है, तो इसमें वर्तमान सरकार का आप कितना सहयोग मानते हैं? देखिए ये फिल्म तो मैंने लिखी है, डायरेक्ट की है, एक्टिंग की है, प्रोड्यूस भी की है, तो ये तो मैंने अपनी सावरकर जी की श्रद्धा के लिए की है। और ये बात सच है कि कांग्रेस के किसी भी मेंबर को काला पानी की सजा कभी नहीं हुई। वो क्यों नहीं हुई ये बात हम सबको सोचनी चाहिए। लेकिन अगर आज के समय में मनमोहन सिंह जी होते या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या आप ये लाइन बोल पाते फिल्म में? क्यों नहीं बोल पाते? ये इंटॉलरेंस की जो आप, अच्छा आप इंटॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि ये लाइन टॉलरेट नहीं होती अगर कोई और सरकार होती और अभी ये हो जाता। देखिए इंटॉलरेंस तो कभी से चली आ रही है। सावरकर एक किस्सा बताता हूँ आपको जी। सावरकर जी के फैमिली कनेक्शंस थे मंगेशकर फैमिली से। लता जी ने उनके बहुत गाने भी गाए थे, आशा जी ने भी गाए थे। और तो लता जी और उनके सावरकर, लता जी के पिताजी और उनका बहुत याराना था, उनके लिए नाटक लिखते थे। तो उनके बेटे हृदय नाथ मंगेशकर जी ऑल इंडिया रेडियो में काम करते थे, तो उन्होंने सावरकर जी की कुछ कविताओं को, जैसे सागरा प्राण तड़मंडला जयस्तुते वगैरह को कानों में कन्वर्ट किया, जिसको लता दी ने गाया। और उन्होंने जब वो ऑल इंडिया रेडियो में पेश किया तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया कि उन्हें उनकी ज़रूरत कैसे हुई ये करने की। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे क्या होगा और क्या नहीं होता। और एक और इनटॉलरेंस की अगर बात करें, आप किसी को पता नहीं है कि नारायण राव सावरकर, डॉक्टर नारायण राव सावरकर जो सावरकर जी के छोटे भाई थे, उनको मॉब लिंचिंग में मार दिया गया था गांधी जी की हत्या होने के बाद। 8000 ब्राह्मण को महाराष्ट्र में मैसेकर कर दिया गया था जिनमें से वो खुद थे। तो आप किसी और स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानते हैं जिनके भाई के साथ ऐसा हुआ और किसी ने कुछ नहीं बोला, कोई नहीं बोला, ना आप लोगों को बताया गया कि उनके साथ ऐसा हुआ? तो ये तो वक्त वक्त की बात होती है। आजादी मिली है, हिंसा का भी उसमें आर्म रेवोल्यूशन, देखिए हिंसा अपने आप में एक अलग लफ्ज है और आर्म और किसी आर्म रेवोल्यूशन एक अलग लफ्ज है। देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि क्या हुई थी कि मैंने भी स्कूल में पढ़ा था कि 1857 म्यूटनी के बारे में, सिपाही म्यूटनी जिसको सिपाही म्यूटनी कहते थे। तो सावरकर जी ने जब वो लंदन में थे लाइब्रेरी में बहुत रिसर्च करके उन्होंने पूरा नज़रिया ही बदल दिया था कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें शस्त्रों के साथ अंग्रेजों पर हमला किया गया था, अंग्रेज सरकार हिल गई थी। इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को निकाल के ब्रिटिश क्राउन ने वो इंडिया की लगाम संभाल ली थी और पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था। फिर 1870 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे लोगों ने आप लोगों ने यही सुना है ना, क्या बोल रहा दोबारा? माफी वीर, हाउ डू यू प्लान टू फाइट दिस नैरेटिव? पहली बात तो आई फाइट दिस नैरेटिव राइट नाउ। सावरकर माफी वीर नहीं थे। उस वक्त एक, अरे आप में से कोर्ट गए होंगे, स्टूडेंट लोग तो बहुत जाते हैं, कोर्ट गए हैं तो कोर्ट में क्या बोलते हैं, कोर्ट को कैसे योर ऑनरेबल कोर्ट ऐसी एड्रेस करते हैं ना, योर ऑनर
थैंकिंग यू, योर ओबीडियंटली, ऐसे यूज करते हैं। और जब हमें स्कूल में एप्लीकेशन लिखना सिखाते हैं तब क्या करते हैं? योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ट्रूली। तो ऐसे ही वो जिसको ये मर्सी पिटीशन बोलते हैं, वो उसको याचिका, बेल, बेल प्ली बोलते हैं, जो कि हर एक जुडिशियल प्रोसेस में अवेलेबल होता है आपको। और उसको वो आपको, अब सावरकर जी को 50 साल की सजा हो गई काला पानी में 7x11 के रूम में, तो ऐसा तो नहीं है कि वो जाके वहां पे 50 साल किसी रिजॉर्ट में रहने वाले हैं। तो वहां पे अगर कोई आदमी होगा तो वो उनका क्या सोचना था कि साम दाम दंड भेद मैं इस्तेमाल करके यहां से निकलूं और देश की स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लूं फिर से, और दुश्मन को किए हुए वादे निभाए नहीं जाते। मैं हिंदुत्व को ऐसे देखता हूं कि हिंदुत्व एक सिविलाइजेशन, हिंदुत्व इज अ सिविलाइजेशन, एक संस्कृति है, एक इतिहास है, एक एक जमीन है जो कि इंडस से, अब तो अखंड भारत नहीं रहा पर अखंड भारत एक, इट इज अ मोस्ट यूनाइटिंग आइडियोलॉजी, इट वॉज देन, इट इज इवन टूडे। सावरकर जी यही कहते थे, हिंदुत्व पैदा इसलिए हुआ था क्योंकि खिलाफत मूवमेंट में, जो कि कैलिफेट मूवमेंट थी, तो गांधी जी ने मुस्लिम लोगों को मिलाने के लिए, अपने कांग्रेस में मिलाने के लिए उन्होंने खिलाफत का साथ दिया था, बिकॉज बहुत सारे ऐसे मुस्लिम पर्सनैलिटीज थी जो कि सोचती थी कि जब अंग्रेज आए थे तो ये मुगल राज था, जाएंगे तो फिर से ये सल्तनत ही रहनी चाहिए। उनको डेमोक्रेसी में इंटरेस्ट नहीं था बिकॉज वो माइनॉरिटी में थे, तो उनको जब स्पेशल इलेक्टोरेट दी गई, ज़्यादा उनको सीट्स दी गई, तब उसके रिटेलिएशन में सावरकर जी ने ये हिंदुत्व लिखा था। और उनका यही कहना था कि इस देश में चाहे आप किसी भी धर्म, जात, जाति के हों, आपको, आप सबके सेम राइट्स होने चाहिए। गांधी जी और सावरकर जी दोनों ही भारत के लिए डिग्निटी और स्वतंत्रता चाहते थे, दोनों ही अखंड भारत चाहते थे, दोनों के केवल नजरिए, उस अप्रोच अलग थी। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे और सावरकर जी हिंसा से स्वतंत्रता लेने में विश्वास रखते थे। ये सबसे बड़े दो डिफरेंसेस थे। सावरकर जी मेरे ख्याल से ज्यादा प्रोग्रेसिव थे। सावरकर जी ने एक्चुअली पहला पतित पावन मंदिर, जो कि गांधी जी का गाना है पूरा, पहला मंदिर और बहुत सारे ऐसे मंदिर सावरकर जी ने ही बनाए थे। सावरकर जी हिंदू सोसाइटी को जात पात में बांटने के पक्ष में नहीं थे, पर गांधी जी वर्ण व्यवस्था को सही मानते थे कि हमारी संस्कृति का हिस्सा, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। सावरकर जी अंतर जातीय विवाह में विश्वास रखते थे। सावरकर जी सामूहिक खाने में विश्वास रखते थे। सावरकर जी छुआछूत से बहुत हेट करते थे। गांधी जी उसको एक्सेप्ट करते थे। अभी कौन सही था कौन गलत, ये तो वक्त बताएगा और बता भी रहा है। ऐसे ही काफी सारे उनमें डिफरेंसेस। सावरकर जी बहुत साइंटिफिक आदमी थे। ये जो आप पिक्चरों में देखते हो, ये निर्देशक, निर्माता, ये सब सावरकर जी ने दिए थे। ये सब सावरकर जी की देन है फिल्मों में। गांधी जी फिल्मों को हेट करते थे। सावरकर जी को लगा अगर ये मीडियम मेरे पास उस वक्त होता तो मैं क्रांति की आग लगा देता। सावरकर क्यों नहीं, मगर ये सवाल उठेगा कि 2024 भी क्यों, वो भी लोकसभा से। ओके। तो टू द पीपल हु आर सेइंग इट्स प्रोपेगेंडा फिल्म, आई वांट टू से इट्स एंटी प्रोपेगेंडा फिल्म, क्योंकि जो प्रोपेगेंडा कुछ पक्षों ने चला रखा है इतने सालों से सावरकर जी के अगेंस्ट, उस प्रोपेगेंडा को हम इस पिक्चर से तोड़ेंगे। देखिए आगे क्या होगा जिंदगी में, ना मुझे पता है ना तुम्हें डालेंगे। ये क्वेश्चन आई थिंक संदीप को पूछना चाहिए। एक दिन में चल रहा है। लेजेंड स्टूडियोस को पूछना चाहिए। प्रोफेसर अल्लाह ने बोला कि जवाब देने का वक्त है, लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो क्या आप चुनाव लड़ने के लिए कुछ कहीं या कुछ ऐसा? बढ़िया सवाल है, इसे ध्यान से रिकॉर्ड करिए प्लीज। ऐसा कुछ नहीं है भाई।
पिक्चर और पिक्चर के बारे में सवाल पूछिए। तो भाई यही था पूरा मैटर, और वीर सावरकर की जो हिडन लाइफ है वो आपने देखी ली होगी, और कितनी मतलब कई ऐसी बातें होती है जो हमें पता नहीं होता, और कई ऐसी सच्चाई होती है जो हमें पता नहीं होती है उस फिल्म में जो है, इस ट्रेलर में थोड़ा सा जो है आपने देख लिया होगा, और कितनी कहानियाँ और कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज होने वाली है इसके बाद वो भी आपको पता होगा। कोई कह रहा है कि 2024 के इलेक्शनों से पहले की कहानी है, और उनको साझा करते हुए जो है कहानी दिखाने की कोशिश की, लेकिन रणदीप हुड्डा का कहना है कि ये फिल्म चाहे कांग्रेस की सरकार होती चाहे बीजेपी की सरकार होती, फिल्म को बनाना बहुत निश्चित था, क्योंकि 2018 का इनका ही प्रोजेक्ट था। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि फिल्म का मजा कितना होने वाला है थिएटर में देखने का। तो आज के लिए बस इतना ही, आई होप वीडियो आपको पसंद आया। सो इफ यू लव दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ बफ, ताकि इसी तरह की सारी अपडेट आप तक ऐसी पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।